हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। मैं हूँ प्रिया और आज हमारे साथ है हमारी छोटी बहन रचना। नमस्ते। ये छोटी बहन है, आप हाइट पे मत जाइए, ये छोटी ही बहन है और ये बहुत अच्छा केक बनाती है, तो आज हमारे लिए बना रही है ड्राई फ्रूट्स केक। चलिए फिर देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए और कैसे बनाती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे ली है ये 2 कप दूध, और जिसमें डाल रही है 1 चम्मच विनेगर। 1 चम्मच विनेगर, इसको डाल करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, है ना। लुकवार्म, हल्का सा गुनगुना दूध है, अब हमें फाड़ना नहीं है, लेकिन ये एक ना हल्का सा कर्डल हो जाता है। चलिए बाकी आगे हम क्या करेंगे। आगे अब शुगर लेंगे, यहाँ ये ले रही है चीनी। चीनी हम 1 कप लिए, 1 कप चीनी ली है। अब इसमें डाल रही है ये लगभग हाफ कप घी, शुद्ध घी है, और साथ ही में 1 कप, और साथ ही में ले रही है ये 1/2 कप रिफाइंड ऑयल, यानी टोटल हमें 1 कप लेना है। आप रिफाइंड या सिर्फ घी भी ले सकते हैं या सिर्फ रिफाइंड भी ले सकते हैं, और इन दोनों को हमें फेंट लेना है। इसके जगह आप चाहें तो पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। ये सब प्रिपरेशन करने से पहले आप तो पहले तो केक टिन को भी आप ग्रीस कर लीजिए, जिसमें भी आपको बनाना हो, और अवन को प्री हीट के लिए लगा दीजिए। ये देखिए ग्रीस कर दिया, और इसके ऊपर बटर पेपर इस तरह से लगा लें। इसको लगाने से आराम हो जाता है, जब आप केक निकालेंगे ना तो बहुत आराम से ये निकल जाता है। अब हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट लेंगे। मैदा लेंगे 2 कप, ये मेरा 1/2 कप है, इसे मैं 2 कप लूंगी, मतलब 4 कप। ये 1/2 कप वाला मेजरिंग कप है, उस हिसाब से मतलब आपको 4 बार लेना है, यानी कि 2 कप लेना है। टोटल 2 कप मैदा, और केक के लिए आप जब भी बनाएं ना तो मैदा को जरूर छान के ही लें। तो सब अभी हम छन्नी में लिए हैं। अब इसमें डाल रही है ये बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, 2 टीस्पून भरकर, और साथ में ये 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और लास्ट में डाल रही है 1 पिंच सॉल्ट, और इसको अच्छे से पहले मिला ले रही है। अब इसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे, ताकि सारा हमारा जो पाउडर भी हमने डाला है ना, वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए ये चीनी और घी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अगर आप चाहें तो चीनी की जगह पाउडर यूज कर लें। इसमें डालेंगे दूध। अब इसमें ये दूध मिला रही है, जिसको हमने विनेगर कर्डल हो गया है, जिसमें हमने विनेगर डाल के रखा था ना, वही है। अब इसमें जो हमने पाउडर मिक्स करके रखा था ना, वो इसमें मिक्स कर रही है, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, हाँ, और सॉल्ट, और इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। ये देखिए इसका कंटिन्यूअस चलाते हुए मिक्स करना है, ताकि इसमें लम्स ना पड़े, और ये एक बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, मिक्स करते जाएं। इसी ये देखिए ये अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ सा फिट गया है हमारा। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और अच्छे से इसको भी मिक्स कर ले रही है। इसको बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है, है ना, बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है आपको, और इसका आप थिकनेस देख सकते हैं किस तरह का है, ये इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, बिल्कुल ही रिबन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी।
अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे डाल रही है ड्राई फ्रूट्स, इसमें पहला है ये बादाम, थोड़ा एलमंड रखूंगी मैं ऊपर का गार्निशिंग के लिए, डेट्स यहाँ पे डाल दी है डेट्स, जिसको छोटा छोटा कट कर लिया है बीज निकाल कर। अब डाल रही हूँ कैश्यू, काजू छोटे टुकड़ों में आप तोड़ लें, किशमिश थोड़ा थोड़ा सारा बचा रही है कि ऊपर से डालेगी गार्निशिंग के लिए, वॉलनट अखरोट और ये है मिक्स्ड सीड्स, मेलन सीड, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, फ्लेक्स सीड्स और चिया सीड्स, और इसे कट एंड फोल्ड के इसमें मिक्स करेंगे। देखिए इसी को बोलते हैं कट एंड फोल्ड, और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में नहीं करना है। अब यहाँ पे जो ऊपर से हम डालेंगे ना उसके लिए थोड़ा सा मैदा ले रही है, टीस्पून मैदा लिया है, इसमें सारा जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचाया था गार्निशिंग के लिए वो डाल दूंगी, ये थोड़ा सा पाउडर में डस्ट मतलब मैदे में डस्ट कर देने से ये अंदर की तरफ जाके बैठता नहीं है, ऊपर की तरफ ही रहेगा। इस तरह से थोड़ा सा मैदे में आप कोट करके डालेंगे ना तो वो अंदर जाके बैठता नहीं है, ये ऊपर ही रहेगा। बहुत थोड़ा सा मैदा में मिक्स कर रही है, और इधर अब अवन को प्रीहीट होने के लिए रख दी है और 35 मिनट के लिए सेट कर दिए, क्योंकि हमने बहुत बड़ा सा बर्तन लिया है। अगर आप छोटे बर्तन में बना रहे हैं तो आपको हो सकता है 40-45 या एक घंटा भी लग सकता है बेक करने के लिए। अब बेकिंग टिन ले लूँगी और उसमें मिक्सचर को पोर कर दूँगी। अब इस बेकिंग टिन में वो पोर कर दे रही है केक का मिक्सचर जो है हमारा, थोड़ा सा टैप कर दें इस तरह से, जो अंदर एयर बबल्स होगा ना वो निकल जाएगा। अब जो इसमें एक्स्ट्रा मैदा होगा ना उसको छान कर हटा दे रही है, और ये देखिए इसमें सारा स्प्रेड कर दे रही है ऊपर से। इधर अवन भी हमारा प्रीहीट हो गया है, तो डाल देते हैं इस केक टिन को। और इसको कितने देर बेक करना होगा? ये करीबन 25 से 30 मिनट में मेरा हो गया है केक। अच्छा, ये मैं क्यूबर लेके से देख रही हूँ, स्क्यूबर या फिर टूथपिक लेके आप इसे पोक करके देख लीजिए। देखिए बिल्कुल ही क्लीन आ रहा है, इसका मतलब ये रेडी है, ये बिल्कुल ही क्लीन आ रहा है और कलर भी बहुत सुंदर आ गया है। बाहर निकाल के मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूंगी। ये देखिए क्या मस्त सा दिख रहा है ना, इसको आप कुछ देर के लिए ये कवर करके छोड़ देंगे। मैं छोड़ दूंगी, ये देखिए वही बटर पेपर के साथ कवर करके, बटर पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉइल से, ताकि इसका स्टीम जो है वो अंदर ही इंटैक्ट रहे, इंटैक्ट रहे और थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो थोड़ा ड्राई हो जाएगा ऊपर से। ये लीजिए बिल्कुल रेडी है हमारा ये ड्राई फ्रूट्स केक, इस क्रिसमस पे बनाइए और इंजॉय कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू रचना।